मेरी वर्दी मेरी पहचान की हकदार है, मेरी सांस इसी पर कुर्बान है, क्योंकि हम अपने भारत की जान हैं। भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण गाथा जो कुछ वर्ष पूर्व लिखी गई थी, जिसमें हमारे देश पर आए खतरे को हमारी सेना द्वारा रोका गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं 23 वर्ष पूर्व हुए कारगिल युद्ध की। इस युद्ध ने हमारे देश के लोगों को एक अलग प्रेम से वाकिफ कराया, जो था देश प्रेम। कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 3 महीने तक लड़ा गया। दोनों पक्षों ने कई बहादुर सैनिकों को खो दिया और 26 जुलाई 1999 को युद्ध भारत द्वारा जीता गया। इस युद्ध को विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हमारी सेना की कुर्बानी और उनके द्वारा काफ़ी संघर्ष किया गया हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए। हमारे आज के एपिसोड में हम आपको एक बहादुर सैनिक के बारे में बताएंगे। 3 मई 1999 को हमारे देश में कश्मीर की पहाड़ियों पर घुसपैठियों द्वारा कब्जा किए जाने वाली खबर सामने आई। ये खबर एक चरवाहे द्वारा हमारी तैनात सेना को हासिल हुई। पहले दो एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सीमाओं में प्रवेश करना शुरू कर दिया। हर दिन संघर्ष एक गंभीर लड़ाई में बदल रहा था। युद्ध पहाड़ी इलाकों में उच्च ऊंचाइयों वाले युद्ध का सबसे प्रमुख उदाहरण है। यह परमाणु राज्यों के बीच प्रत्यक्ष पारंपरिक युद्ध के केवल दो एकमात्र उदाहरणों में से एक है। 5 मई को जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची, तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया और उनमें से काफ़ी सैनिकों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी घुसपैठियों को लगता था कि भारत इस युद्ध में उनसे कभी जीत नहीं पाएगा और शायद इसी कारण से उन्होंने जंग का ऐलान किया। करीबन 5,000 पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पहाड़ी पर हमले की तैयारी कर ली। इन लोगों के साथ साथ दे रहे 30,000 पाकिस्तानी सैनिक भी थे। सभी घुसपैठियों ने दोनों देशों के बीच बनी नियंत्रण रेखा को पार कर प्रवेश किया। जब पेट्रोलिंग टीम की खबर कैंट तक नहीं पहुंची और ना ही जब उनसे कोई सूचना या बातचीत हुई, तो वहां कई टीम भेजी गई और फिर धीरे धीरे यह जंग में तब्दील हुई। उन पर नीचे से हमला करना काफ़ी चुनौती भरा काम था, पर हमारी सेना ने यह भी कर दिखाया। पत्रकारों और अखबारों द्वारा युद्ध की सूचना लोगों तक पहुँचाई जा रही थी। सभी लोग काफ़ी डरे हुए थे, इस युद्ध के दौरान लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे देश सुरक्षित रहे। हमारे कुछ अफसर जैसे लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज दोनों पेट्रोलिंग के दौरान मारे गए उनकी टीम के साथ। पाकिस्तानी घुसपैठी हमारी सेना के खाने पीने के बंकरों पर हमला कर रहे थे। अपनी जान इस धरती पर कुर्बान करना आसान नहीं होता, सीना चौड़ा किए गोली खाना हर किसी का काम नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं हमारे बहादुर सैनिक बलवान सिंह के बारे में। कर्नल बलवान सिंह पंगाल का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को हरियाणा में हुआ। जैसा कि उनके नाम से हमें पता चलता है, मजबूत बलवान सिंह मजबूत थे और 1999 के कारगिल युद्ध में प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। दूसरी पीढ़ी के एक सैनिक सिंह को अपने पिता शोभा चंद द्वारा भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था, जो दूसरी जाट बटालियन के एक सम्मानित अनुभवी थे। सैनिक स्कूल करनाल से अपनी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद सिंह ने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी ओटीए चेन्नई में प्रवेश किया। 3 जुलाई 1999 को लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को अपने घटक प्लाटून के साथ एक बहुआयामी हमले के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर दिशा में टाइगर हिल टॉप पर हमला करने का काम सौंपा गया। 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित उद्देश्य के लिए मार्ग बर्फ से घिरा हुआ था और क्रेवास और सारासर फॉल्स के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने आदमियों का नेतृत्व करना जारी रखा और एक भयंकर बंदूक लड़ाई और हाथ से हाथ के मुकाबले करने के बाद मिशन अंततः पूरा हो गया। यह लेफ्टिनेंट बलवान सिंह थे जिन्होंने 2 जुलाई 1999 को टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगाया था। सिंह को स्वतंत्रता दिवस 1999 पर राष्ट्रपति के आर नारायण ने महावीर चक्र से सम्मानित किया था।
उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले भारत ज्ञान अक्षर को, और कारगिल सीरीज से जुड़े रहने के लिए वो साथ वाला बेल आइकन भी ऑन कर ले, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।